हेलो फ्रेंड्स, आज हम लगाने जा रहे हैं फ्री का बोगनविलिया प्लांट्स। हमने पहले भी कई लगाया है, तकरीबन 10-12 पहले भी लगाए हैं, जिसमें ये ग्रीन लीफ जो होता है ये वैरायटी का भी हमने लगाया है, और ये जो वेरीगेटेड लीव्स होता है दो कलर का उसका भी हमने लगाया है। ये सब प्रोपगेशन हो गया है, और भी कई हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इतना ही लाया है आपको दिखाने के लिए। और इस बार हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग लगाते हैं। तो ये कुछ कटिंग्स हम लोगों ने ले आया है फ्रेंड्स के यहाँ से, ऐसे ही करके आप फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास से ऐसा कटिंग ला सकते हैं और फ्री में बोगनविलिया प्लांट्स बना सकते हैं अपने घर पे ही। ऐसा खरीदने जाएंगे तो इस तरह का प्लांट 100-150 में एक मिलता है, ये तो काफ़ी महंगा मिलता है, और कहीं कहीं तो ये वेरीगेटेड वाला मिलता भी नहीं है। तो हमने जितना भी चीज़ हमें ज़रूरत है वो सब हमने ले आया है, ताकि वीडियो थोड़ा हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा शॉर्ट बनाए, तो एक एक करके सामान लाएंगे तो देर लगेगा, तो हम लोगों ने पहले से सब कुछ रेडी रखा है। तो ये सबसे पहले तो ये हम लोगों ने मिट्टी तैयार किया है, जिसमें बालू है जिसे रेत भी बोलते हैं, गार्डन सॉइल है, मिट्टी गार्डन वाला, थोड़ा सा गोबर का खाद है इसमें, और थोड़ा सा हम लोगों ने कोकोपीट भी मिलाया है। तो इसका रेशियो ऐसा आप ले सकते हैं, 40% बालू ले सकते हैं, 20% आप मिट्टी ले सकते हैं, 20% गोबर का खाद, और बाकी के 20% आप कोकोपीट, और थोड़ा सा आप इसमें नीम खली मिला सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप साफ फंगीसाइड जो होता है वो मिला सकते हैं। तो ये नीम खली थोड़ा सा मेरे पास है, तो ये भी हम मिला देंगे इसमें, और साफ फंगीसाइड हमने पहले भी इसमें मिला के रखा है, तो ज़रूरत नहीं है मिलाने का। और अभी गर्मी का दिन है और हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी बेस्ट टाइम है बोगनविलिया को लगाने के लिए और भी कई सारे कटिंग्स लगाने के लिए। इस मेथड से आप कई प्लांट्स लगा सकते हैं कट करके, हमने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ही प्रोपगेशन किया है। तो सबसे पहले हम ये कटिंग ले लेंगे, इसको और हम लोग छोटा कर लेंगे, इसको हम लोग दो प्लांट बना सकते हैं। तो नीचे से ऐसे तिरछा ऐसे कट कर लेंगे, इसको हम लोग दो प्लांट बनाएंगे, तो यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, ताकि ये दूसरा का नोड के नीचे ऐसा जड़ निकलेगा ऐसे इतना। ये जो एक्स्ट्रा लीव्स है ये सब को आप हटा सकते हैं, छोटे छोटे लीव्स है तो आप छोड़ भी सकते हैं, इस तरह का छोटे लीव्स है तो हम छोड़ देंगे। इस तरह का एक कटिंग रेडी हो गया, और ये दूसरा कटिंग भी रेडी हो गया, इसका लीव्स हम ऐसे ये हटा देंगे, दो बन गए। ऐसे ही करके हम छोटे छोटे कट कर लेंगे, इसके भी दो बन जाएंगे बस। तो इस तरह के हमने कई कटिंग्स रेडी कर लिए हैं, इतना मोटा हो कटिंग तो बहुत अच्छा है, पेंसिल इतना मोटा। ये कुछ पतला भी हो गया आगे का, इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो लग जाएंगे, ये सब तो लग जाएंगे। तो हम लोग ग्रो बैग में ऐसा प्रोपगेशन करेंगे, ये 4 इंच का ग्रो बैग है, इसमें हमने मिट्टी ऐसा भर लिया, मिट्टी को ऐसा लूज ना रखिएगा, ऐसा दबा दीजिएगा, इतना काफी है। तो इस तरह का हमने कटिंग ले लिया है, इसको हम लोग, ये रूटिंग हार्मोन है, कोई भी आप रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं, हमने कटिंग एड का लिया है रूटिंग हार्मोन, ऐसे ये लगाकर बस इसको ऐसे यहाँ पे इतना नीचे ऐसे इसमें लगा देंगे। तीन से चार वीक में इसमें नए नए लीव्स आ जाएंगे, हमने ऐसे ही ये सब प्रोपगेशन किया है। ये तकरीबन 2 महीना हो गया, ये तकरीबन
ये भी तकरीबन 1.5 महीना हो गया हमें प्रोपगेशन करके। स्टॉप करो। इतना 6 इंची से लेकर 10 इंची तक आप कटिंग ले सकते हैं इतना मोटा, और इस तरह ग्रो बैग में या फिर छोटे जो से जो प्लास्टिक जो टब होते हैं उसमें लगा सकते हैं प्लास्टिक पॉट में, और 3 से 4 वीक में आपका ये प्लांट रेडी हो जाएगा। और ये लगाने के बाद हम लोग ये साफ फंगीसाइड का जो पाउडर होता है उसको लिक्विड हम लोगों ने कर लिया है। इस तरह से आप छोटा सा कंटेनर में ऐसा बना सकते हैं घोल, और इस तरह इसको ऐसे थोड़ा सा पानी दे देंगे साफ फंगीसाइड का, तो ये फंगस से बचा रहेगा। और लगाने के बाद इसको धूप में ना रखें, आप कम से कम 2 वीक तक इसमें कम से कम दो वीक तक इसको आप छाया में रखें, और हल्का हल्का लीव्स निकलने लगेगा तो आप हल्की धूप में सुबह का धूप में ऐसा रख सकते हैं। और फिर जब 1-2 महीना का जब तकरीबन 2 महीना इसमें हो जाएंगे ये ग्रो बैग में तो काफ़ी जड़ आ जाएंगे, तो आप बड़े से पॉट में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये सारे कटिंग्स भी ऐसे ही लगा लेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Thanks.